चार दिन तक उनको बेरहमी से मारा गया और चौथा दिन के बाद पांचवा दिन इनका उनको मार के और लटका दिया गया। इनके पास पैसा है क्या? वही जिंदा रहे, बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। जेएमएम के नेता जो हैं आपके ये छोटे राजा और ताहिर, इन लोग 4 घंटा तक बैठ के दलाली का काम किए हैं। दो आपके एक दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के पत्रकार को भी मारा गया है। क्या पत्रकार लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं? मैं पंकज कुमार चौबे, आज मैं एक दंडई में जो निर्मम हत्या हुआ है उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ये निर्मम हत्या थाना के अंदर में हुआ है और ऐसा कभी भी आज तक के टाइम में जब तक हम जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि थाना के अंदर में 4 दिन रख के किसी को मार दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यही हमारे विधानसभा में ही देखने को मिला है और हमारे गढ़वा जिला में ऐसा हुआ है। बाकी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 3-3, 4-4 दिन तक बिना कोर्ट का मंजूरी का आप थाना के अंदर रख सकते हैं। नियम यही है कि 24 घंटे के अंदर में थाना में बताया जाता है, अरे कोर्ट में बताया जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस आदमी को कोर्ट बताती है कि इसको जब्त करना है या इसको छोड़ देना है। यही नियम है जो हम लोग जान रहे हैं। हो सकता है कुछ और नियम होगा तो यहाँ के थाना प्रभारी महोदय, एसपी साहब, सारे लोगों को, आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा होता है क्या, ऐसा कुछ नियम है क्या, ये वो लोग इसका जवाब दें। हमारे हिसाब से क्या किया गया है कि 4 दिन तक उनको बेरहमी से मारा गया और चौथा दिन के बाद पांचवा दिन इनका उनको मार के और लटका दिया गया और उसको एक हत्याकांड को आत्महत्या के रूप दिया जा रहा है। जैसे कि हत्याकांड में मैं बता दूं कि जब किसी को बहुत ज्यादा मार दीजिएगा और कुछ जगह लग जाएगा तो निश्चित है कि वो मर जाएगा। तो ये लोग जगह सोच के थोड़ी ना मारते हैं। ये लोग सिर्फ एक दलित परिवार है, दलित परिवार को मारना है उसके लिए कोई नहीं आएगा, बस यही सोचते हैं। तो ये दलित परिवार का ही नहीं, सारे इंसानियत का ये हत्या किया जा रहा है। क्या यहाँ पे दलित परिवार और दूसरे परिवार नहीं जिंदा रह सकते हैं क्या? सिर्फ यहाँ पे सुवर्ण लोग को ही जिंदा रहने का अधिकार है तो लोग बता दे, जिनके पास पैसा है क्या वही जिंदा रहे, बाकी लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाएगा? तो ऐसा अगर है तो हमें ऐसा थाना और ऐसे थाना प्रभारी नहीं चाहिए। मैं मांग करता हूं कि कम से कम यहाँ के लोगों को जिनका हत्या हुआ है वही सिर्फ देखने वाले थे, उनके 8 बच्चे हैं, 8ों बच्चों को कौन देखेगा? तो मैं मांग करता हूं कि कम से कम उनको 1 करोड़ रुपया, उनको उनके बच्चे को एक नौकरी और उनका जो जिसने भी ये कांड किया है उसको FIR करके और उनको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, CBI जांच का मांग करते हैं। नहीं तो हम लोग धरना पे बैठने पर मजबूर हो जाएंगे और ये मजबूरी मेरी नहीं है, ये आम जनता की मजबूरी है, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ होगा, कल तीसरे परसों किसी और के साथ होगा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बनने का कोशिश कर रहे हैं उनका हाथ है। जेएमएम के नेता जो हैं आपके ये छोटे राजा और ताहिर, इन लोग 4 घंटा तक बैठ के दलाली का काम किए हैं, मेटलाइज का करने का काम किए हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीका से इधर से पैसा ले ले, उधर से पैसा ले ले और इस मैटर को क्लोज कर दिया जाए। जहां तक लोग बोल रहे हैं कि थाना के ऊपर पथराव किया गया, इसमें क्या ये जांच का विषय है? ये पथराव वहां के आम जनता ने किया या यहाँ के लोगों को पैसा देकर करवाया गया? हो सकता है कि ये दोनों जो बैठे हुए थे अंदर में, इन लोगों ने पैसा देकर और थाना पर इस मामले को पूरा को रफा दफा करने के लिए वो लोगों ने क्या किया कि पथराव कराना शुरू कर दिया कि लोगों का ध्यान भटक जाए। इसमें दो आपके एक दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के पत्रकार को भी मारा गया है। क्या पत्रकार लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं? तो सवाल जवाब करने के लिए गए, देखने के लिए गए, उन लोगों को भी मारा गया। अपने समाज के लिए देखने के लिए लोग जो गए थे उनको मारा गया और बहुत तरीका का चीज किया गया जो कि आप लोग देख सकते हैं कि और लगभग में 38 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, जिसको जल्द से जल्द उस FIR को खारिज किया जाए, क्योंकि वहां जो लोग गए थे वो किसी को मरने मराने के लिए नहीं गए थे, उनका परिजन मरे थे उसको देखने के लिए गए थे। और आप लोगों ने जो गलती अपना काम किया, मार तो दिया, उसके बाद पोस्टमार्टम जो किया वो क्या उसमें यहाँ के लोग जो उनके आम जनता है और वहाँ के जो आपके उनके परिजन है, क्या उनका सिग्नेचर है? उनका सिग्नेचर साइन से आपको लिया गया है?
तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना पोस्टमार्टम के लिए लोगों को उनके उनके बॉडी को हैंड ओवर किया गया और ना ही पोस्टमार्टम के बाद हैंड ओवर किया गया, टायर से जला दिया गया है। आप लोग इस चीज को वहाँ घटनास्थल पर जाके देख सकते हैं कि लकड़ी का भी यूज नहीं किया गया, टायर से जला दिया गया है। इतना जल्दीबाजी किस बात का प्रशासन को था कि टायर पूरा, अगर लकड़ी 3 बजे नहीं मिल रहा है तो टायर से जला दीजिए। तो इस तरह का ये सिर्फ और सिर्फ छिपाने का काम किया गया है और इसको ये राष्ट्रपति महोदय तक हमारा संदेश चला गया है। और इसमें जो हमारे हैं जेसी दिनकर जी, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, बहन मायावती जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। और जितना जल्दी हो सके अगर इस तरह ये दोषी को सजा नहीं मिलेगा तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हम लोगों को ये सब आम मानुष मिल के और घेराव करने के लिए समन्वय और SP आवास को। धन्यवाद।